गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का अपना टॉपिक चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर अपन ने ये देखा था कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री के यूजेस क्या होते हैं, बेसिकली हम किन टर्म्स को इसके अंदर रीड करते हैं, और केमिस्ट्री से रिलेटेड कई सारे केमिकल्स जिनका अपन जो एवरीडे लाइफ होती है उसके अंदर उसके यूजेस क्या होते हैं, जैसे मेडिसिन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, इसके अलावा जैसे पॉलीमर इंडस्ट्री है, प्लास्टिक मटेरियल है, बहुत सारे यूजेस अपने देखे थे, शॉप है, डिटर्जेंट है, टूथपेस्ट है ना, डेली यूज़ के अंदर आने वाली बहुत सारी चीज़ें जो ऑलमोस्ट किससे बनती है, केमिकल से बनती हैं। तो यूजेस के बाद में आज अपन पढ़ रहे हैं, अपने जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक देखा था कल की क्लास में वो यही था कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ मैटर। तो उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी, समथिंग विच हैव सम मास एंड वॉल्यूम, कि कुछ भी जिसका कुछ मास होता है और कुछ वॉल्यूम कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। फिर हमने ये देखा है कि मैटर जो होती है उसकी मैटर की दो स्टेट एग्जिस्ट करती है, एक तो कौन सी है, मिक्सचर फॉर्म है, दूसरी कौन सी है, प्योर फॉर्म है। मिक्सचर और प्योर फॉर्म के अंदर आपको ये देखना है, मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और मिक्सचर कैसा हो सकता है, हेटरोजीनियस भी हो सकता है, और एलिमेंटल जो फॉर्म होती है वो दो तरह से हो सकती है, एक प्योर फॉर्म एक एलिमेंटल फॉर्म में और दूसरी हो सकती है कंपाउंड फॉर्म के अंदर। ये तो था कल का मैटर। आज की क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं मेजरमेंट इन केमिस्ट्री की मोस्ट ऑफ जितने वर्क होते हैं वो सारे के सारे किस में करते हैं, वो लेबोरेटरी में करते हैं। हर चीज़ को मेज़र करते टाइम इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक्यूरेसी के साथ में उसको मेज़र कर रहे हैं। तो प्योरिटी जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, कैपेसिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है, जितनी अच्छी कैपेसिटी का, जितनी अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट होगा उसके अंदर एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होगी, या फिर प्योरिटी उतनी अच्छी होगी, या फिर अपन बोल सकते हैं कि उसके अंदर किसी भी तरह का डिसऑर्डरनेस नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, प्योरिटी इन द मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जनरली इन लैब देर इज मैनी डिसऑर्डरनेस मे बी प्रेजेंट इन द मेजरमेंट, कि बार बार हम चीज़ों का मापतोल करते रहते हैं, मेजरमेंट करते रहते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई जो मेजरमेंट होगा उसके अंदर 100% एक्यूरेसी तो पॉसिबल है नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, डिसऑर्डरनेस क्रिएट होता ही रहेगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, जो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है उसके ऊपर। एक्यूरेसी जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, जितना अच्छा, जितनी प्योरिटी के साथ मेजरमेंट हुआ एक्यूरेट उतना ही अच्छा आएगा। और इसके लिए अपन क्या करते हैं कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर कितना एक्यूरेसी है, कितना प्योरिटी है, इसको बुक की लैंग्वेज में एक टर्म नाम देते हैं, वो होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी मेजरमेंट इज ऑब्टेन विद द प्योरिटी देन द नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स, कि जब अपन किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ले चुके हैं तो जो डाटा हमको मिलता है उस डाटा के अंदर कितनी डिजिट ऐसी हैं जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा हो, तो जो किसी भी एक्यूरेट डाटा के अंदर जितने मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं उस मीनिंगफुल डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने अच्छे होंगे डाटा उतना ही एक्यूरेट होगा। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इफ इंक्रीज देन द एक्यूरेसी और द प्योरिटी विल बी इंक्रीजेस, कि जितना जितने उसके अंदर मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे, जितने मीनिंगफुल डाटाज होंगे, जितने मीनिंगफुल डिजिट्स होंगे उतने ही ज़्यादा वो क्या होती जाएगी, एक्यूरेट होती जाएगी। कैसे, जैसे मान लो कि मैंने ये बोल दिया एक डाटा कि किसी बच्चे का वेट है 11.64 kg। ठीक है, ये तो कन्फर्म है कि बच्चे का वेट कितना है, 11 किलो है। फिर हमने बोला है 64, इसका मतलब है 640 ग्राम और है, तो यहाँ तक तो फिक्स हो गया कि 11.6 kg तो है उसमें। 4 के अंदर ये हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में मापते टाइम हो सकता है कि वो ये 0.05 हो सकता है कि ये 0.03 हो, यानी कि लास्ट जो डिजिट है 4 उसके अंदर या तो इंस्ट्रूमेंट इसको एक ज़्यादा रीड कर सकता है या फिर इसको एक कम कर सकता है। तो जो अनसर्टेनिटी आएगी वो लास्ट डिजिट के अंदर होती है, जितने नंबर ऑफ इंक्रीज होते जाएंगे तो डेसिमल के बाद में उसका पोजीशन उतना ही दूर जाता जाएगा, तो एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ती जाएगी उसकी। ठीक है,
तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजिंग डाटा होगा वो लास्ट ही लास्ट डाटा होता है। तो जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स आते जाएंगे तो कन्फ्यूजिंग डाटा की वैल्यू कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी तो वैल्यू क्या रहती ही जाएगी, एक्यूरेट होती जाएगी। तो यहाँ पे अपने डेफिनेट डाटा है वो तो है 11.6, और जो अनसर्टेनिटी है वो किस में है, प्लस माइनस वन की किस में है, 4 के अंदर प्रेजेंट है। तो ये मैंने लिखा है कि इन एनी डाटा ऑल डिजिट्स आर सर्टेन बट द लास्ट डिजिट मे बी अनसर्टेन विद द प्लस माइनस वन, कि या तो वो एक कम हो सकता है या फिर वो एक क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। अब किसी भी गिवन डाटा के अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, उसके कुछ रूल्स होते हैं। दो द नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि किस तरीके से हम डिसाइड कर पाएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स ये होते हैं। सबसे पहले देखो, किसी भी मेजरमेंट के अंदर ऑल नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो डाटा आती है उनके अंदर जीरो नहीं है तो वो सारे के सारे नॉन जीरो, मतलब 1 to 9 की काउंटिंग में आने वाले सारे के सारे डिजिट किस में आएंगे, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे मैं लिखा 44.3, कोई जीरो नहीं है तो इसके तीनों के तीनों डाटा उनका सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे। यहाँ पे भी कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे भी कोई जीरो नहीं है, तो यहाँ पे डाटा है 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर कितना है, 5 है। तो पहला पॉइंट अपना था नॉन जीरो जो डिजिट होती है वो हमेशा कैसी होती है, सिग्निफिकेंट होती है। किसी भी मेजरमेंट के अंदर आने वाली नॉन जीरो 1 to 9 वाली जितने भी डिजिट आएंगे वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट्स होते हैं। सेकंड देखो, अपन ये बोल सकते हैं कि जैसे मैंने ये लिखा है 6.23, तो उस काउंटिंग के टाइम डेसिमल जो होता है उसको काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ काउंटिंग किसकी होती है, डिजिट्स की काउंटिंग होती है, ठीक है। तो डेसिमल जो होता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं इंक्लूड करते, सिर्फ डिजिट्स के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करते हैं अपन। सेकंड है 0 between 2 नॉन जीरो डिजिट, कि 2 डिजिट है जो नॉन जीरो, उनके बीच में अगर कोई जीरो आता है तो वो मीनिंगफुल होता है, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, तो वो हमेशा काउंट होगा अगर वो क्या आ रहा है, 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। जैसे मैंने लिखा 6.01, तो यहाँ पे सारे जो डिजिट है वो काउंट होंगे, तो यहाँ पे कितने होंगे, 3। फिर मैंने लिखा है 6.001, तो इसमें टोटल डाटा कितने हो गए हैं, सिग्निफिकेंट 4 हो गए हैं। तो पहला था नॉन जीरो, दूसरा था 0 between 2 नॉन जीरो, थर्ड देखो इसके अंदर ये आया है कि स्टार्टिंग अगर जीरो से होती है, ठीक है, स्टार्टिंग अगर जीरो से होती है तो लेफ्ट साइड का जीरो जो होता है वो कभी भी काउंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले कितने भी जीरो लगाएं वो सिर्फ क्या करते हैं, डेसिमल की जो पोजीशन होती है उसको बताते हैं अपन को, इसके अलावा उनका कोई मीनिंगफुल मीन नहीं निकलता आगे। तो स्टार्टिंग वाले जीरो कभी काउंट नहीं होंगे, ये कॉन्सेप्ट रखें, सारे नॉन जीरो काउंट होंगे, 0 between 2 नॉन जीरो काउंट होंगे, स्टार्टिंग वाले जीरो कभी काउंट नहीं होंगे। तो इसके अंदर स्टार्टिंग वाले जीरो छोड़ दें, क्यों, क्योंकि जब इनको लिख रहे हैं उस टाइम अपन इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखेंगे, तो इस चीज़ को मैं आगे क्लियर करूँगी कि इसमें मीनिंगफुल तो है ये पर क्यों काउंट नहीं हुआ, उस चीज़ को अपन आगे देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर वैसे ही लिखने का तरीका सही नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखते टाइम अगर इसको लिखते हैं तो ये 10 की पावर में जाते हैं, और 10 की पावर जो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे आ गया 0.523, तो 0.523 के अंदर डाटा कितने हैं, 3। यहाँ पे कितने डाटा आओगे टोटल, 2, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जीरो काउंट नहीं करना है, स्टार्टिंग वाले जीरो काउंट नहीं करना, देन इसमें कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो ऑल राइट साइड जीरो, कि 5.00 लास्ट वाले जीरो है वो काउंट होंगे या नहीं होंगे, तो उसके लिए एकदम इंटेंशन से सुने, लास्ट वाले जीरो तभी काउंट होंगे अगर उसके अंदर जो दिया हुआ मेजरमेंट है उसके अंदर अगर डेसिमल पॉइंट है तो वो जीरो लास्ट वाले काउंट होंगे, अगर उसमें डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं होंगे। कैसे, अगर आपके पास यहाँ पे सिर्फ 500 लिखा होता, 500 लिखा हुआ होता तो दोनों जीरो काउंट नहीं होते, अगर 5.00 लिखा हुआ है दोनों डाटा काउंट होंगे, अगर यहाँ पे 50.0 लिखा होता तो भी काउंट होते, अगर 0.500 लिखा हुआ होता तो भी काउंट होते, स्टार्टिंग वाले जीरो कभी काउंट नहीं कर रहे, लास्ट वाला जीरो तभी काउंट होगा जब उस डिजिट के अंदर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट होगा। दोनों चीज़ों को बहुत क्लियरली याद रखना है, स्टार्टिंग वाले कभी काउंट नहीं करने और लास्ट वाले काउंट तभी करने जब उसके अंदर क्या हो, डेसिमल हो, अगर उसमें डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर रहनी चाहिए बात। देखो लास्ट में जीरो है, क्या जो नंबर दिया उसमें डेसिमल है तो सारे काउंट होंगे,
क्या डेसिमल है तो काउंट होंगे, अगर इसमें डेसिमल नहीं होता तो ये काउंट नहीं होता। नेक्स्ट देखो, लास्ट साइड का जो जीरो है ना, लास्ट साइज का जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है किस पे, डेसिमल की प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड करता है। देखो स्टार्टिंग में पहले भी बता चुकी हूँ, लास्ट में जीरो है, क्या डेसिमल है, नहीं है, डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं करना है। लास्ट में जीरो है, डेसिमल है तो काउंट करने, लास्ट में जीरो है, डेसिमल है तो काउंट करने आप, ठीक है। अब देखो अपने चार पांच रूल देखे हैं, फर्स्ट रूल देखा था, फर्स्ट रूल था कौन सा, ऑल नॉन जीरो, सेकंड जीरो बिटवीन टू जीरो, थर्ड था स्टार्टिंग जीरो, लास्ट था लास्ट वाला जीरो, और लास्ट जो जीरो होता है जिसको हम राइट साइड जीरो बोलते हैं, काउंट तभी करेंगे जब उसके अंदर डेसिमल प्रेजेंट है, अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो लास्ट साइड का जीरो काउंट नहीं होगा। साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन, देखो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि केमिस्ट्री के अंदर हम जिन भी चीज़ों को स्टडी करेंगे वो बहुत ही माइनर चीज़ें, जैसे एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, मॉलिक्यूल है, ये सारे के सारे वो होते हैं जिनका मास जो होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, यानी कि बहुत कम अमाउंट होती है, या फिर अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कम होते हैं। वहीं पर अगर इनकी स्पीड देखेंगे, इनकी वेलोसिटी देखेंगे, इनकी पेनिट्रेशन पावर देखेंगे तो ये क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी डिजिट अपन काम में लेने जा रहे हैं या तो वो बहुत छोटी हैं या फिर वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो आइदर द नंबर इज़ वेरी लेस और इफ़ द नंबर इज़ वेरी फ्यू और वेरी लार्ज, दोनों ही कंडीशन में, चाहे नंबर बहुत छोटा हो चाहे नंबर बहुत बड़ा हो, ड्यूरिंग दिस विकेट एनी डिस्टर्बेंस टू रिप्रेजेंट द डाटा फॉर मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस, कि जब भी अपन कैलकुलेशन करने वाले कई बार डिस्टर्बेंस होता है इतने बड़े डाटा को लिखते टाइम, इसलिए तो जो बहुत बड़े डाटा हैं और बहुत छोटे डाटा है तो ईजी वे में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनको क्या लिख करते हैं, एन इंटू एन टू द पावर एन, इस फॉर्म के अंदर किसी भी डिजिट को लिखना क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं बात को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी फ्यू वेरी स्मॉल डाटा इन फॉर्म ऑफ एन इंटू टेन टू द पावर स्मॉल एन इज नोन एज द साइंटिफिक नोटेशन, कि बहुत बड़े या फिर बहुत छोटे डाटा को एन इंटू टेन टू द पावर स्मॉल एन की फॉर्म के अंदर लिखना क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन होता है। हियर कैपिटल एन इज द डिजिट, लेफ्ट साइड द डेसिमल, कि यहाँ पे जो कैपिटल एन होता है वो नेचुरल नंबर होता है और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ डिजिट होता है, व्हाइल स्मॉल एन इज द पावर ऑफ टेन, कि 10 की जो पावर होती है उसको हम स्मॉल एन से लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये निगेटिव भी हो सकती है, और ये क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। नेक्स्ट बात देखो, इसके अंदर ये लिखते हैं अपन कि जो डेसिमल जो होता है ना इसको आप, हाँ ये चीज़ बहुत गौर से सुनना कि किसी भी डिजिट के अंदर अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में किसका रहे, ठीक है, डेसिमल को अगर हम लेफ्ट साइड में किसका रहे तो हमेशा ही पावर पॉजिटिव आएगी। आई रिपीट माय वर्ड्स, इफ़ द डेसिमल मूव्स टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड देन द पावर ऑफ टेन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, कि अगर डेसिमल आगे जाएगा, आगे से मेरा मतलब है लेफ्ट साइड में जाएगा, तो पावर हमेशा पॉजिटिव में आएगी। और इन अदर केस इफ़ द डेसिमल मूव्स टुवार्ड्स द राइट साइड और बैक साइड देन पावर विल बी ऑलवेज नेगेटिव। इस बात को बहुत क्लियरली याद रखना है कि डेसिमल अगर लेफ्ट साइड जाता है, आगे की तरफ जा रहा है, जैसा भी आप समझ पा रहे हो, लेफ्ट साइड में जाता है पॉजिटिव रखना है, राइट साइड में जाता है हमेशा डेसिमल कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। देखो साइंटिफिक नोटेशन के टाइम में जैसे मैंने ये लिखा है 40400, ठीक है, मुझे इसको n इंटू एन टू दी पावर n की फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि इसको लिखते टाइम आपको हमेशा डेसिमल एक डिजिट पे रखना है, लेफ्ट साइड से सिर्फ एक डिजिट पे रखना है, डेसिमल नहीं है। इस वैल्यू में अगर मैं सबसे लास्ट में डेसिमल लगाती हूँ तो इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है, लगा दिया मैंने इसको।
एक डिजिट तक ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट साइड में ले जाना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट ये बताई है कि इफ़ द डेसिमल मूव्स टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड इट ऑलवेज हैव द पॉजिटिव पावर वैल्यू। तो कितनी, 1, 2, 3, 4, ये कितने पोजीशन से मूव हुआ है, 4 प्लेस से। तो 10 की पावर कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा। दूसरी बात देखो, एक डाटा आपको दिया हुआ है ये वाला, इसमें डेसिमल पहले से दे रखा है और आपको कितने पे रखना है, एक डिजिट के बाद में रखना है। तो आपने 4 के बाद में रखा है, तो डाटा कितना रिप्लेस हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्लेस रिप्लेस हो गया है। जो डेसिमल है वो किस साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। तो पावर हमेशा किस में लेनी है आपको, माइनस में लेनी है, सॉरी ये पावर जो है आपको माइनस में करनी है बेटा यहाँ से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है, ठीक है। ये डेसिमल किस साइड में आया अपना, यहाँ से उठ करके बैक साइड में आया, तो ये पावर किस में आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। ड्यूरिंग द साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल मस्ट बी प्रेजेंट आफ्टर 1 डिजिट। देख चुके हैं ये कि जब नोटेशन दिखा रहे हैं तो डेसिमल कितना पीछे रखें कितना नहीं रखें, इस चीज़ में वेरिएशन नहीं आए, इसलिए कॉमन ये कॉन्सेप्ट रखी है कि एक डिजिट के बाद में आप रख दो, ठीक है, देन पावर एडजस्ट करो उसकी। ये जो होता है वो या तो बहुत लार्ज नंबर के लिए या फिर बहुत स्मॉल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख, देखो इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो आपको डेसिमल कहाँ रखना है, 5 और 4 के बीच में, पहले है उससे बैक साइड चल रहा है यानी राइट साइड में आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 टाइम आया, 5 टाइम आया तो पीछे की तरफ आया है या फिर राइट साइड में आया, तो पावर किस में, माइनस में। इसको अगर आप कर रहे हो तो ये लिखा हुआ है। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो भी डिजिट लिखी हुई होती है उसकी जो 10 की पावर होती है उसको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लिया जाता है, बिकॉज 10 की जो पावर होती है वो डेसिमल पॉइंट का प्लेस डिसाइड करती है। 10 की पावर डेसिमल पॉइंट का प्लेस डिसाइड करती है, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। इसको छोड़ करके जो भी कुछ बचता है उस पर बाकी रूल सेम तरीके से फॉलो करते हुए लिखेंगे। कैसे, 5.4 नॉन जीरो है, दोनों काउंट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है जीरो है बट दो नॉन जीरो के बीच में सारे काउंट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में नॉन जीरो काउंट हो जाएंगे, लास्ट में जीरो है बट डेसिमल है सारे काउंट हो जाएंगे। ये इसमें क्या आ गए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, ठीक है। इसके बाद में देखो, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया आप लोगों को, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है, एक एक डाटा है, पहले आप खुद करने की कोशिश करेंगे, जब आपसे नहीं हो पाए तो मैं आपको इसको बताऊंगी। देखो मैंने ये लिखा सिग्निफिकेंट फिगर्स, सबसे पहला अपन देख रहे हैं, मैंने लिखा है 62.4। तो इसके अंदर ये है कि नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। स्टार्टिंग जीरो कभी काउंट नहीं होंगे, आगे वाला जीरो दो नॉन जीरो के बीच में काउंट कर लो तो कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3। नेक्स्ट देखो 88.230, लास्ट में जीरो है, लास्ट वाले जीरो को काउंट करने के लिए देखना है क्या डेसिमल है, है तो काउंट हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो लास्ट जीरो हैं जी, क्या डेसिमल है, काउंट कर लो सबको, तो 1, 2, 3, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3। जीरो है लास्ट में, क्या डेसिमल है इसमें, है तो काउंट कर लो, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 2। जीरो है, क्या इसमें डेसिमल है, नहीं है, नहीं है तो काउंट नहीं होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1। होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमने देखो, मैंने एक तो आप लोगों को बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं, उसके बाद में उसके रूल्स से अपने एक्सप्लेन किए, कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखे, तो उन चीज़ों को आपको क्या करना है, टिप्स पे रखना है। जब आपको रूल्स याद होंगे तो ही आप किसी डिजिट के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। उसके बाद में अपन ने देखा है साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन के भी एक दो रूल देखे अपन ने, और साइंटिफिक नोटेशन के बाद में अपन ये देखा है कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर अगर कोई मेजरमेंट लिख रखा है तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए
है ना। ऐसे रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ को देखा अपन ने। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, 11th क्लास के जो बच्चे हैं शायद अभी जुड़ पाए हैं, तो ये जो चैनल है इसके ऊपर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। पब्लिक अकाउंट है, कोई इसमें वो नहीं है कि अपने स्कूल के बच्चों के लिए इसके अंदर कोई भी स्टूडेंट पढ़े तो भी अपन को वो नहीं है। और चैनल को आप सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन बार बार दबाते रहें, सॉरी बेल आइकन को अलर्ट कर लें ताकि आपको जो नए नोटिफिकेशंस आएंगे वो आपको मिलते जाएंगे, ताकि जब भी आपकी क्लास का वीडियो अपडेट हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख पाएँ। नोट्स बनाते रहें टाइम से और जितना भी आपको पढ़ाया है उसको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक रिपीट करते जाएँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट प्रिपेयर रहे। होप सो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा वीडियो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।